ओ भाई, मैं बसते बसते रहा हूँ, मेरे पे कूद गया गाड़ी। अब मैं नीचे। भाई गाड़ी कहाँ भाग रहा है यार? सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइज, हम सब आ चुके हैं सिमुलेटर गेम प्ले वीडियो में, जिसमें गाइज बेसिकली हम सब करने वाले हैं, हमारे पास जो सामने में आपको प्लेन दिख रहा है, साइड वाला नहीं गाइज, सामने वाला जो सामने में आपको जो दिख रहा है प्लेन, इसको हमको उड़ाना है। इसके पायलट जो है ना, वो हम ही हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने जो है ना घूस दे के मैं पायलट बनाऊँ गाइज। थैंक्स, लव यू। तो बेसिकली हमको चलना है अभी, एंड यहाँ इस प्लेन को उड़ाते हैं एंड देखते हैं व्यू कैसा आता है, खतरनाक आता है। इसमें एक चैलेंज भी है गाइस। चैलेंज ये है कि हमको जो उसमें अंदर में गाड़ी है, उस गाड़ी को जो है ना यहाँ से जंप करवा के नीचे उड़ाना है, नीचे फेंक देना आई थिंक, और वहाँ से मुझे भी कूद जाना है पैराशूट खोल के। तो उस चैलेंज को भी कम्प्लीट करेंगे। पहले ये देख लेते हैं, यहाँ का इंटीरियर काफ़ी खतरनाक दिया हुआ है, बाथरूम वगैरह सब साफ है, अंदर एकदम लग्जरी सा फील आ रहा है, मस्त यहाँ पे आपको दिखने में लगेगा। ये पूरा का पूरा टीवी है, एकदम सोफ़ा की तरह यहाँ पे सीट दिया हुआ है, और टीवी बेसिकली चलती नहीं है। टीवी में आई थिंक कुछ दिक्कत नहीं, बंद होगा शायद। हाँ, ये बेडरूम है, बेडरूम में भी टीवी लगा हुआ है। ओके, तो फिलहाल और एक यहाँ पे गाड़ी, इसी गाड़ी को हमको ड्रॉप करना है, हमारा चैलेंज यही है, इस गाड़ी को नीचे फेंकना है और देखेंगे ये टूटता है या फिर नहीं, या फिर गाड़ी मिलेगा भी कि नहीं पता नहीं गाइस। तो वो चीज़ हमको देखना है रास्ते में, जब हम इसको टेक ऑफ कर देंगे। टेक ऑफ करने के बाद जब ऊपर कुछ ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, देन इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर से फेंक दूंगा। दैट इज़ माई प्लान गाइस। तो फिलहाल के लिए हम सब क्या करते हैं, अंदर चलते हैं एंड इसको बंद कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आके एंड जो भी इसका जो सीट वगैरह सब है वो देख लेते हैं। उसके बाद इसको फटाफट से इस दरवाजे को हमको बंद कर देना है, जिससे कि ये कोई इसमें इशू ना आए। इसको फटाफट बंद कर देते हैं। कहाँ गया भाई दरवाज़ा, के लॉक किधर है? अच्छा ये रहा, हाँ ओके, ये लॉक हो चुका है इधर से एंड इधर से आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंटीरियर दिया हुआ है। फिलहाल हमको अंदर एंट्री करना है, आप इसको बंद कर देना है। अब आ चुके हैं अपने पायलट मोड में। तो फिलहाल हम सब आ चुके हैं, सीट पे बैठ चुके हैं एंड फटाफट से इसको जितना भी सिस्टम है उसको दिख लेते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, आपको दिख रहा होगा। नीचे जाते हैं और इंजन को ऑन करते हैं। 1, 2, 3 एंड 4, चारों इंजन हो ऑन हो चुके हैं हमारे। 1, 2, 3, 4 ऑल इंजन ऑन हो चुके हैं यहाँ पे, चारों चार ऑन हो चुके हैं, देख सकते हैं ऊपर। एंड अब टाइम आ चुका है हमारा टेक ऑफ का। ठीक है गाइस, हमको बेसिकली क्या करना है, टेक ऑफ करना है। टेक ऑफ करने का टाइम जो है वो आ चुका है। तो हम सब चलते हैं एंड थोड़ा सा धीरे धीरे मोड़ते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद इसको डाल देंगे हम ऑटो पायलट में, जिसमें ऑटो पायलट के मोड में ही जो है ना टेक ऑफ करेगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल फीचर्स इसमें दिए हुए हैं बेसिकली, जितना मुझे अभी तक पता है। एंड मैं इसको ऑटो पायलट में डाल दूंगा, जिससे कि ऑटोमेटिक टेक ऑफ ये कर जाए, जिससे कोई दिक्कत ना आए। बिकॉज मैंने बहुत सारा टाइम मैंने जो है टेक ऑफ करने का ट्राई किया है, बट होता ये है जो टेक ऑफ करने के टाइम पर कभी कभी होता है क्रैश कर जाता है, क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस है नहीं कि मैंने अभी तक टेक ऑफ ना किया नहीं। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि मैंने कोर्स देखा, पायलट का डिग्री लिया है, पता है आपको गाइस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं टेक ऑफ नेचर से नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, हो जाता है, बहुत बार मैं कर लेता हूँ, बट कुछ कुछ टाइम ऐसा आता है जो कि कभी कभी क्रैश कर जाता है प्लेन, तो रिस्क नहीं लेने का भाई, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, रिस्क लेने का ही नहीं है। अभी फ़िलहाल चलते हैं एंड अभी धीरे धीरे ऑटो पायलट मोड में भी चल रहा है एंड ये खुद लैंड, सॉरी ये खुद टेक ऑफ करेगा भी, ये जो प्लेन है वो ऑटो टेक ऑफ करेगा भी फिलहाल, क्योंकि मैंने ऑटो पायलट में डाल रखा है इसको। पायलट में हूँ बट मैंने इसको छोड़ दिया, भाई तुम आराम से घूमते रहो, तब तक मैं आता हूँ घूम के इधर से। ओके, तो फिलहाल अभी नज़ारा देख सकते हैं इधर कैसा खतरनाक लग रहा है देखने में। एंड गेम जो है ना गाइज, अंडर 100 MB आई थिंक है, हाँ उसके अंदर आप कितना ख़तरनाक गेम मिल जाता है इसका, मुझे लगता नहीं थोड़ा सा अभी इसमें इशू आता होगा। कितना अच्छा सा ग्राफिक्स वगैरह इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैठता हूँ विंडो सीट पे, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे, देखने में लगता है भाई हाँ कुछ तो है, रियल व्यू जैसा लगता है देखने में, लाइक आप जैसे बैठते हैं रियल में वैसा आपको फील आएगा देखने से। तो आप इसका बेसिकली यूज़ कर सकते हैं सीट का बैठने के लिए। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, इसको ऑन करके देखते हैं।
अरे अरे भाई नहीं 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 इसको बंद करते हैं भाई, डेंजरस है यार, नीचे गिर गया अभी तो फिर प्लान कैंसिल हो जाएगा। मैं जितने भी मैं चैलेंज लिया था, मैंने अभी चैलेंज मेरा पूरा हो नहीं पाएगा। तो फिलहाल ये बहुत स्लो जो है ना वो टेक ऑफ कर रहा है, तो क्या करते हैं, मैं खुद टेक ऑफ कर लूँ क्या? बट नहीं गाइस, रिस्की है थोड़ा सा। अगर मैं टेक ऑफ किया तो पता चला क्या, जब मैं इस प्लेन को फिर से क्रैश कर दूंगा भाई। मैं झोला छाप पायलट हूँ ना यार, मैं डिग्री लिया हूँ घूस दे के, तो इसलिए नहीं हो पाता है ना, समझ सकते हो भाई तुम सब। चूतिया बनाया तुमको। तो हम सब क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे आ चुके हैं, दैट्स द रियल टाइम फॉर टेक ऑफ एंड ये आप प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, दैट्स द टाइम। काम ख़त्म, यहाँ पे टेक ऑफ हो चुका है, अब ये मेरे कंट्रोल में आ चुका है पूरा का पूरा ये। अब मैं इसको डालूंगा पायलट मोड में, एंड ये हमारा रहा मैप, इसमें काफ़ी जगह है जहाँ पे मैं लैंड करूँगा। बट उससे लैंड से पहले मुझे क्या करना है, आप मैं ऑलरेडी बता रखा था, एक चैलेंज कम्प्लीट करना है, जिसमें कि बेसिकली हमको ये करना है कि उस गाड़ी को हमको ऊपर से फेंक देना है, फिर देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं अभी आराम से। ये डाल दिया मैंने पायलट मोड में, ये मेरे कंट्रोल में अब आ चुका है ये पूरा प्लेन, अब मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, तो फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर एंड गाड़ी नहीं प्लेन काफ़ी ऊंचाई पे जा रहा है, और नीचे का व्यू देख सकते हैं गाइस आप, नीचे का व्यू कितना ख़तरनाक लग रहा है, काफ़ी ख़तरनाक है। मेन लाइट मैंने ऑन कर दिया है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स दिए हुए हैं, मुझे जो है गाइस समझने में बहुत टाइम लग गया। मैं ऑलरेडी इस गेम को पहले भी प्ले कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है अभी तक, अदरवाइज़ मैं पहली बार खेलता तो मैं इस गेम प्ले का वीडियो में नहीं बना पाता। तो बेसिकली हम सब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सीखने में मुझे टाइम लगा था, तो इधर आते हैं एंड चलते हैं आप सीधे जहाँ पर जाना था, जहाँ का वेट हो रहा था। इसको करते हैं ओपन, हो नहीं रहा है भाई, अच्छा हाँ हो गया। अब गाड़ी में हम एंट्री करेंगे, अब अरे भाई क्या हो गया, ओके कहीं मैं ना कूद जाऊँ यार। ये हमारी गाड़ी है जिसमें कि हमने एंट्री किया है, एंड इसको मुझे क्या करना है, फेंक देना है ऊपर से। ओ भाई मैं बसते बसते रहा हूँ, मेरे पे कूद गया गाड़ी, अब मैं नीचे, भाई गाड़ी कहाँ भाग रहा है यार, ओ माय गॉड गाड़ी तो भाग गई यार। मतलब जो मैं चैलेंज किया था वो कंप्लीट हो चुका है, मुझे पता था कि गाड़ी जो है वो सीधे डायरेक्टली जाके प्लेन से बहुत दूर जाके गिरेगी, और वो वही हुआ। तो मैं यहाँ पे पैराशूट से कूद रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पे कितना मैं स्लो कूद रहा हूँ, क्योंकि पैराशूट जो होता है हमारे हवा के प्रेशर से बहुत ही धीरे जा रहा है नीचे नीचे, नहीं तो मैं अभी नीचे गिरता तो मैं बच भी नहीं पाता। तो सीधे वेट करते हैं, देखते हैं कितना देर में चलते हैं। और फिलहाल हमने जो चैलेंज दिया था वो कंप्लीट हो चुका है गाइस, और चैलेंज में बेसिकली करना यही था कि हमको उस गाड़ी को नीचे फेंक के उसके बाद हमको भी वहाँ से कूद जाना था। आप सब पूछिएगा गाइस कि वो जो फ्लाइट है वो तो क्रैश कर जाएगी, नहीं गाइस वो क्रैश नहीं करेगी, क्योंकि उसमें एक और फीचर्स है, दैट्स नेम इज़ कि वो ऑटो लैंड हो जाती है। अगर उसमें कोई पायलट ना हो तो उसमें ऑटो लैंडिंग का फीचर है, जो ही मैं वहाँ से कूदूंगा, मैंने ऑटो लैंडिंग का फीचर ऑन कर दिया था, जिससे कि वो ऑटो लैंड आराम से हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।